हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग बनना चालू हो गया है और मॉर्निंग का शुरुआत चाय के साथ। ये हमारे देखिए एक प्रिय मित्र सोए हुए हैं, राहुल जी। चाहिए ठंडाएगा जी, कुछ बोलना चाहते हैं फ्रेंड्स को? मेरे दोस्त इतने अजीज हैं, इतने लजीज हैं, सबसे ज्यादा बदतमीज है। जो कहिए, बाकी चाय ठंडा हो गया आपका, आप चाय पी लीजिए। तो आज का ब्लॉग चाय के अंग्रेजी नहीं बोले? नहीं, अंग्रेजी आता भाई, हम बोले। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से हैं, समझे, इसलिए अंग्रेजी का ये स्पीच देते रहते हैं। देखिए, सो वी आर नाउ गोइंग टू एंजॉय अ सिप ऑफ टी and it's very very delicious. So please guys, like, share and subscribe also. Thank you. अब चलते हैं सब हम खाना बनाने। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, मैंने दो दो चीज अपना जो मटेरियल होता है, मैंने गोभी को काट दिया है। आप देख सकते हैं मैं गोभी काट चुका है। यहाँ सब्जी का मटेरियल रेडी है, यहाँ रोटी का रेडी है। इसके बाद मुझे चलना पड़ेगा। अब इसमें अब थोड़ा सा मेरे पास धनिया रखा हुआ है, अब इस धनिया को जाके वॉश करता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब मैं इस धनिया को वॉश करने जा रहा हूँ। धनिया को पानी से डाल के कढ़ाई में इसको धोऊंगा। उसके बाद हम सब्जी का मटेरियल रेडी कर रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसको धोने जा रहा हूँ। धो के मैं इसको रेडी करूंगा। तो मैं धनिया को ले आया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ इसे पूरी तरह से, क्योंकि सब्जी का मटेरियल रेडी हो गया। मैं धनिया को अब काट के डालने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब बर्तन मांजना है, यही स्ट्रगल लाइफ है। अब जाऊँ बर्तन धो लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने बर्तन धो के रेडी कर दिया है, अब मैं चलता हूँ। देख सकते हैं बर्तन रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने सब चीज रेडी कर दिया है। जस्ट आलू उबाल कर दिया है, यहाँ टमाटर, प्याज, गाजर, सब बीन, मिर्च सब काट लिए हैं। यहाँ गोभी भी बॉयल कर दिया है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। जैसे कि आप कढ़ाई देख सकते हैं, अब कढ़ाई में चलते हैं कढ़ाई को तरफ। अब हम यहाँ सब्जी रेडी करने जा रहे हैं। अब कढ़ाई में सब चीज़ भून के सब्जी बनाते हैं। अब मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो जब सब्जी रेडी रहेगा तो मैं आपको एक क्लिप और ला दूंगा। देख सकते हैं सब्जी अभी भुन जा रहा है। तो क्योंकि मैं ब्लॉक है ना, तो ब्लॉक में डालना चाहिए ना। आप पहला ब्लॉक एकदम शानदार देख सब्जी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब रेडी हो चुका है। यहाँ उसको फ्राई कर देंगे सब्जी को, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्राई करने के बाद, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ है, हॉस्टल लाइफ बहुत ही कष्टदायक होता है, इसमें ठंडा पूरा है, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं हमारे खा रहे हैं। लालू भैया जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? ग्राहक को बोलिए कुछ। इस मगर यूनिवर्सिटी में हम लोग इस ठंडी में खाना बनाकर खा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ संघर्षता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग मिलकर खा रहे हैं, बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग भी हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो देख लीजिए, सीख लीजिए किस तरह से खाना बनाना है। अगर घर पर हैं तो वहाँ भी कोशिश करिए कि हम कम से कम सब्जी रोटी बनाने के लिए जानकारी हो, अन्यथा बहुत दिक्कत होगा। अगर अभी हम लोग खाने के लिए भी जाएंगे दुकान में तो नहीं मिल पाएगा। ठंडा में 6 बजे के पहले दुकान बंद, खाना वाला करीब होता है, लेकिन दूर जाना पड़ेगा, यहाँ से 2 किलोमीटर बहुत है। जिसके पास सुविधा नहीं है गाड़ी का, ज्यादा दिक्कत होता है जाने में। अरे मतलब ये सीनियर हैं, कहने मतलब तो बता रहे हैं कि किस तरह से स्टूडेंट लाइफ, हॉस्टल लाइफ में कष्ट बहुत। हॉस्टल में खाना बना बनाया मिलता है, बट उसमें थोड़ा सा, क्योंकि आपको हॉस्टल का जैसा चाहिएगा वैसा आपको नहीं मिलेगा, जो मिलेगा आपको आपके अनुसार नहीं मिलेगा। इसलिए हम सब यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, तो खुद से बना के
बनाना पड़ता है, बहुत फ्रेश आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं सब्जी का स्वाद तो बहुत मस्त आ रहा है। अब इसको हम भून लिए हैं और इसके बाद हम इसमें गोभी और सोयाबीन मिक्सिंग करते हैं। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप हम पूरा प्रोसेस जब हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे।